Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझे कार लेकर जा रहे हो परी पैकर? पापा ने कार लेके जा रहा हूँ मेरे बादशाह। मुझे तो तेरी वो बात लड़ गई है, बार बार कानों में गूंजती है। मेरा कोई नहीं है परी पैकर, मेरा कोई नहीं है परी पैकर। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं तेरा हूँ मेरे बादशाह। तेरे लिए लुबना मीत की गाली सुनी है, जुबैदा की नफरत देखी है, पर मैंने बस एक बात कही, आतफ बेकसूर है, बेगुनाह बेचारा, और बेगुनाह को मारने का गुनाह मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। Thank you.
बहुत फिल्में देखती हो आप। फिल्मों में होता है ऐसा। फिल्मी हीरोइन के हाथ में टूटा हुआ शीशा आ जाए, प्लेट का टुकड़ा मिल जाए तो वो काट लेती है रस्सी। या नहीं कटती। यहां हीरोइन एक मर्तबा पकड़ी गई तो समझो पकड़ी गई। आतम साहब ताड़ी तूबा। आए 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 आए। खाने पीने में क्या पसंद करेगा? चिकन, मीट, एनीथिंग एल्स? यहाँ क्यों लाया मुझे? बताया तो है, तुझे बताने और दिखाने लाया हूं कि देख यहाँ कितने लोग हैं जो सबके सब तेरे हैं। तेरी रोटी पानी, आराम, निंदर सबका ख्याल रखेंगे। और तू कहता है तेरा कोई नहीं, अपना साज है ना। रात को तुझे मोहब्बत वाले गाने सुनाएगा और वो गाने भी सुनाएगा जिसमें मोहब्बत नहीं मिलती। तेरा प्रॉपर मनोरंजन होगा मेरे बादशाह। तो मतलब तू मुझे अब से बेजा में रखेगा? नहीं मेरे बादशाह, तुझे अपने कार में रखूंगा। कितने दिन? समय जिस दिन तूबा कार आ गई तू गया। तुझे कहा ना परिपेकर, तूबा मेरे पास नहीं है। कोई झूठ बोले मुझे इतना बुरा नहीं लगता, पर कोई मेरे मुंह पर झूठ बोले मुझे बहुत बुरा लगता है। और इतनी गहरी दोस्ती में तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए मेरे बादशाह। चल मुआतो, नहा के फ्रेश हो, जिस्म से गंद उतरे, दिमाग से गंद निकले, फिर बात करते हैं। चल जूने ले जाए इसे नला, और पहनने के लिए को अपना सूट दे। चलो आतिफ साहब। परेशानी इस बात की है कि जो पुलिस की मार से नहीं डरेगा वो तेरी मार से कैसे डरेगा? मैंने तो बस एक चपेड़ मारी है मियाँ जी, मारने का तो सोचा ही नहीं है। टाइम देने लगा उसे तो क्या कहते हैं, छब्बीस घंटे काफी है। फिर उसके बाद मियाँ जी मैंने मार देना उसे। मर गया तो तूबा कैसे मिलेगी? मिलेगी मियाँ जी, समझो यूं मिलेगी। तो फिर मार चौबीस घंटे किस बात के? ऊपर जो बैठा है ना, बंदा मारने पर खुश नहीं होता। बंदा
ہو یا آتفے کیوں نہ ہو کیوں میاں جی چوبیس گھنٹے بعد خوش ہو جائے گا چل تو چکن میٹ کا انتظام کر وہ مہمان ہے ہمارا میں پوری رات وہاں بیٹھی رہی یہ سوچے بغیر کہ توبہ سے میرا کیا رشتہ ہے اور زبیدہ کیا لگتی ہے میری اور دیکھو سر اس نے کیس واپس لینے سے پہلے مجھ سے پوچھا تک نہیں آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں ساری رات آنکھوں میں کاٹی ہے آپ نے فائدہ کیا ہوا بھیڑیے کو دروازہ کھول کر کہہ دیا جاؤ آپ نے بھی تو پری پیکر کو گالی دے کر حساب برابر کر دیا نا گالی نہ دیتی تو کیا کرتی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی رہائی کا بندوبست کیا ہے اور پھر میں پوچھتی ہوں کہ عاطف سے اس کی دوستی کا کیا مطلب ہے یا پھر میں یہ سمجھ لوں کہ دو پرانے غنڈوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا ایک دوسرے کو پروٹیکشن دینے کے لیے ایک سیکنڈ اور بیچ میں ماری گئی بیچاری توبہ اب لوٹ کا مال سمجھ کر دونوں مل کر کھائیں گے اسے میں سالوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو منہ میں جو آتا ہے بولتی رہتی ہے ہلو گڈ مارننگ گڈ مارننگ کیا ہوا میرا مطلب ہے کہ کیا بنا آپ کے مجرم کا رہا ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں آپ کو بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی مدعی نے اپنا کیس واپس لے لیا کیا مطلب لڑکی مل گئی وہ اب کبھی نہیں ملے گی اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہیں تو میں کیا کروں اس کی بہن اس کا منگیتر حتیٰ کہ جب میاں جی بھی اس بات کو مان گئے کہ وہ بے گناہ ہے تو میں کیا کروں بس ایک میری بات نہیں مانی خیر سو جائیے سنا ہے رات بھر جاگتی رہی ہیں اتنی بڑی آنکھوں میں نیند آ کر رک جائے تو لگتا ہے کہ کسی کے دل کا خون ہونے والا ہے سویٹ ڈریمز سنا ہے رات بھر جاگتی رہی ہیں اتنی بڑی آنکھوں میں نیند آ کر رک جائے تو لگتا ہے کہ کسی کے دل کا خون ہونے والا ہے سویٹ ڈریمز کھا
तू गलत समझ रहा है परी, दोस्त बन के दुश्मनी ना कर मुझसे। पहले जो चपेड़ मारी है उसका सॉरी, मुझे झूठ बोलेगा तो फिर मारूंगा, लेकिन फिर सॉरी नहीं कहूंगा। चल कहा घंटे का टाइम सोचा है, चौबीस घंटे में वो आ जाए तो अच्छा है, वरना रोटी खाने के बाद टाइम शुरू हो जाएगा। अकामी वॉल क्लॉक उतार के इसके बेडरूम की दीवार पे लगा देना, घड़ी है इसके पास, ये देख गुड बेल, लगता है काफी महंगी घड़ी है। महंगी है, महंगी है और टिक टिक नहीं करती, घड़ी का टिक टिक करना बड़ा जरूरी होता है। तू खा क्यों नहीं रहा? ये चिकन मैंने शायद मिठे से मंगवाया है ताकि तू फेलर ढूंढ करे। चौबीस घंटे के बाद तू क्या करेगा? कुछ नहीं, फिर मटर चिकन मंगाऊंगा तेरे लिए, फिर तेरी दावत करूंगा। चल खा। है ना डिलीशियस। अच्छा ये बता, मरेगा तो दफन कहाँ होगा? ले, इसमें परेशानी की क्या बात है, मुझसे पूछ मैं बताता हूं। मैं मरूंगा तो म्यानी साहब में अपनी मां के पैरों में दफन होगा, वसीयत करके रखी है मैंने। तू बता तेरी क्या वसीयत है? ये ना कहना माँ के पैरों में दफनाऊ तुम्हें। ठुड्डा मारना है तेरी माँ ने तेरे मुंह पे। याद कर परी पेकर, मैं मस्जिद से ईशा की नमाज पढ़ के बाहर निकला था, तूने शक में पकड़ा और खुदा के खौफ से छोड़ दिया। सोच अगर मेरे दिल में कोई चोर होता तो मैं यूं खाला के घर आता। वही तो मैं सोच रहा हूं, पर ये कहानी तुझसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी तू खा पी आराम कर, आराम करने से आराम आ जाए तो कड़ी चेक करना, देखते रहना कि चौबीस घंटे पूरे होने में कितना वक्त रहता है। कोई कर्जा शर्जा तो नहीं तेरे ऊपर? वो जनाजा पढ़ाने से पहले मौलवी साहब मैयत के वारसों से पूछते हैं, याद आ जाए तो कागज पे लिख के रख देना, नाम पता रकम सारी तफसील के साथ, मैं अदा करूंगा। कम से कम कब्र में जाके तू ये नहीं सोचेगा कि दुनिया में तेरा कोई नहीं था। मैं हूं ना, खुदा के खौफ से डर परी पैकर, मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं, मैं, मेरे पास तौबा नहीं है।
तौबा तेरे पास नहीं है तो फिर डरता क्यों है? खुश हो, नफल पढ़। तू तो समझ जाते ही बख्शा गया। रोटी का जब तक रोटी खाता रहेगा टाइम शुरू नहीं होगा। चल हमारे हाथ में है तो समझो तूबा को कोई डर नहीं है और सच बताए बगैर वो यहां से निकल नहीं सकता। थाने कचहरी में 100 हीले बहाने होते हैं, झूठे गवाह, दो पक्की दलीलें और सारा केस खत्म। लड़की बेटी का मामला ना होता तो अब तक वो जनाजे की मंजी पे होता। वो जो कमीना रिश्तेदार है ना तुम्हारा, हमेशा की बेपता ही तो है। कहाँ है वो? मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे उसके पास ले चले, मैं उस कमीने का मुंह नोच लूंगी, फिर वो मुझे बताएगा कहाँ है मेरी बच्ची तूबा। वो आपकी मोहब्बत जितना सादा नहीं है पुत्री। कोई खिलौना नहीं चुराया उसने कि चपेड़ मारने से गुस्सा करने से बता देगा कहाँ रखा है। सपने कोड़ किरली मुंह में डाल ली है। पहले थूक नहीं सकता था, अब निगल नहीं सकता। तूने नहीं ख्याल रखा होगा उसका, मैं सब जानती हूं। तू बड़ी लापरवाह हो गई है। क्या सोच रहा है? पता नहीं क्या, या फिर शायद ये सोच रहा हूं कि 24 घंटे का टाइम थोड़ा या ज्यादा। काम बोल। वो मियां जी आतिफ रिहा होकर गया है लेकिन घर नहीं पहुंचा। नाम क्या है तेरा? मजीद अहमद। तो मजीद अहमद साहब ड्यूटी क्या है तेरी? पकड़ना यारे आपने है ना? जी मियां जी। कर पुछा के आना भी तेरी ड्यूटी है। मुझे तो एसएचओ साहब ने भेजा मियां जी, हुक्म दिया है कि जाकर पता करके आऊं। कर गया है उसके?
वो जी इतला मिली है कि घर तो वो पहुंचा ही नहीं। मतलब सीधा यहीं आया है? वो जी मैंने देखा था, परी पैकर साहब सहारा देकर उसे अपने साथ ले जा रहे थे।